नमस्कार दोस्तों, आज थोड़े लेट नींद खुली, 8:05 पर, इसलिए लेट ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ, मतलब स्टेशन से। तो स्टेशन पर आ चुके हैं और बने रहिए दोस्तों साथ में। सुबह के समय देख सकते हैं ज़्यादा भीड़ नहीं रहती स्टेशन पर, अधिकतर अप डाउन रहती स्टेशन पर। सुबह ज़्यादा भीड़ नहीं रहती, देख सकते हैं। एक नंबर पर भी कुछ लोग बैठे हैं, दो नंबर पर भी 2-5 लोग बैठे हैं। प्रतापगढ़ से चल के भोपाल को जाने वाली प्रतापगढ़ भोपाल आ चुकी है, देख सकते हैं। तो अपनी ट्रेन तो आ चुकी है, एक और दोस्त आ रहा है, उसको और इंतजार कर रहा हूँ, वो जाए तो फिर ट्रेन में बैठे। आज स्टेशन पर ज़्यादा भीड़ नहीं है, प्रतापगढ़ में बहुत कम भीड़ है आज। चलो भैया ट्रेन में अंदर चलें, ये बाहर का नज़ारा। पानी वाटर, पानी वाटर। सुबह के 8:20 हो चुके हैं, ट्रेन में अंदर आ गए, अपनी सीट पकड़ ली। ये बाहर का नज़ारा और ये इस साइड का नज़ारा। नौ बजकर 20 मिनट हो गए और स्टेशन से बाहर निकल आए हैं, बस स्टॉप पर खड़े हैं। बस तो आ चुकी है, थोड़ी देर बाद चलेगी, तो मैंने कहा जब तक बाहर खड़े होके एक वीडियो बना ली जाए। यह है SR5। चलो भैया बस में चले, नहीं तो एक भी सीट नहीं मिलेगी। बड़े जल्दबाजी में उतारा आज इस बस वाले ने, देखो चला ही जा रहा है बिल्कुल चौथे गियर में, SR5 वाला। तो दोस्तों अभी हमारे भोपाल शहर में शूटिंग चल रही है, पीछे देख सकते हैं ये वैनिटी वैन खड़ी है, जिनमें एक्टर और एक्ट्रेस रहते हैं, मतलब जो फिल्म में काम करते हैं वो लोग इन्हीं वैनिटी वैनों में आराम करके बैठते हैं, चाय नाश्ता करते हैं और अंदर ही बैठे रहते हैं। जब शूटिंग होती है तभी बाहर निकलते हैं। तो भोपाल में अभी किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है। जाते टाइम रेलवे कॉलोनी से जा रहा था, तो मैंने कहा यहाँ की भी एक क्लिप बना लूँ। पीछे देख सकते हैं पूरी रेलवे कॉलोनी साफ हो चुकी है, ज़मीन ही ज़मीन, पर कुछ सालों बाद यहाँ नई बिल्डिंगें भी बन जाएंगी। सामने है गणेश मंदिर, ये देखो कितने भयंकर ट्रैफिक जैम, कितने भयंकर। चलो भैया घर चले, पकड़ ली ट्रेन विंध्याचल सुपर फास्ट।
यहाँ पे एक चीज़ बता देते हैं, हमारे मोबाइल की क्वालिटी गड़बड़ है इसलिए थोड़ा अंधेरा दिखेगा, बाकी स्टेशन पर तो एकदम चमाचम लाइट है। जल्दी जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि ट्रेन में बहुत पीछे उतरा था, इस साइड माइल गाड़ी चल गई और इस साइड खड़ी है हमारी विंध्याचल, तो थोड़े ज़्यादा पीछे उतर गया था, तो जल्दी जल्दी जा रहा हूँ कि आगे पहुँच जाऊँ। और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है ये मेमो के चक्कर में। तो शाम के 6:20 और अपन आते हैं स्टॉप पर, अपन पकड़ेंगे स्टेशन के लिए। यहाँ से 5 हो गए बस का इंतजार करते करते, बस आने वाली है। 6:05 आ गई हमारी, अब चलो अंदर चले बस में। अब यहाँ रोड की दूरी 2 कदम है, यहाँ से उसके गया उसका बस में बैठ जाऊँ, बस वाला इतने में निकल गया। तो रियल ज़िंदगी में ये होता है और लोग तैयारी से बनाते हैं उनकी अलग बात। बस आ गई, अब अंदर घुस जाए इस जग से, नहीं तो जा भी निकल जाएगी। हेलो एक बस निकल गई, बस दूसरी पकड़ी। बाबा लेने तो बिल्कुल रुकी नहीं है, चौथी गियर में चलो। भीड़ भी अच्छी है, कस्टम कर रहा है। आ गई, अब अंदर घुस जाए इस जग से, नहीं तो जा भी निकल जाएगी। हेलो एक बस निकल गई, बस दूसरी पकड़ी। बाबा लेने तो बिल्कुल रुकी नहीं है, चौथी गियर में चलो। भीड़ भी अच्छी है, कस्टम कर रहा है। अपना स्टॉप आ चुका है, चलो अब उतर जाए इस जग से, उसी में बताएंगे बस अच्छे हम लोग। बुजुर्ग है भैया साथ में, चलो उतर गए यार जा लाल डब्बा में से। तो शाम के टाइम भीड़ भी बहुत ज़्यादा रही, इसलिए जल्दी जल्दी उतरो, जल्दी जल्दी स्टेशन पहुँचो और ट्रेन पकड़ो। स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं है, पीछे बोर्ड है वो स्टेशन आकर, फिर भी जल्दी चलो।
दौड़ दौड़ के आए, जीटी मिल जाए तो बढ़िया, स्टेशन पे तो आ चुके। अब इतनी तेज गति में आए दौड़ के, अब देखें स्टेशन पे ट्रेन मिल पाए है कि नहीं। स्टेशन तो अंदर आ चुके हैं, सामने ही एक डब्बा रखा है पुराने मॉडल का, पुराने जमाने का। तो ये हो गई अपनी भोपाल रेलवे स्टेशन। आ गए यार स्टेशन पे, देखें अब गाड़ी पकड़ पाए कि नहीं। अभी तो ब्रिज पे पहुंचे हैं, इतनी दौड़ दौड़ के आए। वो खड़ी है लोकमान तिलक गोरखपुर, जीटी शायद आई नहीं है, आने वाली है। अभी बच गए यार, जीटी अभी आई नहीं है, थोड़ी देर में आने वाली है। बहुत से लोग बोले कंटेंट पे ध्यान दो, आवाज़ पे ध्यान दो, पर रियल में वीडियो बना के तो देखो कोई चीज़ सही नहीं बनेगी, सब गड़बड़ होती चली जाएगी, क्योंकि भीड़ भाड़ में ना बड़ी मुश्किल से सही वीडियो बन पा है। स्टेशन पर आके बैठे बैठे आधे घंटा हो गया बस, ट्रेन अभी आई नहीं है, थोड़ी टाइम है ट्रेन आने में। ये जयपुर मैसूर जा रही है पीछे, इसका नाम है जयपुर से चलकर मैसूर को जाने वाली। ज़्यादा दारू पीवे को जो परिणाम है, जो देखो कहाँ सो के पड़ो है, खुद पते नहीं कैसे पड़े कैसे। जो देखो ट्रेन खड़ी, ट्रेन के बगल में बिल्कुल, ये दारू पी के पड़ा है। अब इतनी दारू भी नहीं पीने चाहिए लोगों,